ये है देसी, मतलब पाउडर है गुड़ का, और ये बिल्कुल दुकान वाले ने तो बोला है कि केमिकल फ्री है, तो इससे वैसे मैं चाय बनाती हूँ तो चाय मेरी फटती नहीं है बिल्कुल भी। तो चीनी मैंने बिल्कुल अवॉइड करके और ये डालना शुरू कर दिया। और ये है देसी गुड़। और घड़ी ये मैंने इसलिए खरीदी है, घड़ी मशीन में भी मैं यही यूज़ करूँगी इसको ना, मैं एक बॉटल में घोल के और फिर रख लेती हूँ घड़ी को, ताकि वो लिक्विड फॉर्म हो जाता है, और फिर मैं मशीन में यही डालती हूँ। मैं कोई अलग से ब्रांड ब्रांड बड़ा सा नहीं खरीदती हूँ ना मैं खरीदूँगी, मेरे पास हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि हम पैसे ही कमाते रहें बस, सॉरी मतलब पैसों के पीछे नौकरी के पीछे पड़े रहे। और ये है खुली चाय पत्ती और ये घड़ी, क्योंकि सबसे पुराना है ये हमारा प्रोडक्ट और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, तो इसीलिए मैं यही ब्रांड यूज़ कर रही हूँ। आज मैंने इतना सामान खरीदा और मैंने ये बनाए हैं घर पे अपने चिप्स, जो मतलब बाहर का केमिकल वगैरह ना खाना पड़े, और मैं मेरे बच्चे को जब भी मन होगा हम यही खाएंगे। इसके अलावा मैंने रास्ते में एक चीज़ देखी कि मतलब एक आदमी था और वो अपने बच्चे को बाइक पे घुमा रहा था, तो बाइक पे मेरी नज़र गई तो वो बच्चा क्या है ना एक्चुअली सो गया था। तो मतलब उस मैंने सोचा मैं उनको बता दूँ कि आपका बेबी आपका बच्चा सो गया है, 5-6 साल का था वो बच्चा, लेकिन मैं बता नहीं पाई मैं क्योंकि खुद स्कूटी पे थी और मैं मेरे हस्बैंड को रोक नहीं पाई। तो हम हमारे बच्चे को कभी भी अगर बाइक पे किसी भी चीज़ पे बिठाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए वो सो तो नहीं गया, अगर वो सो गया तो उसको रिलैक्स पोजीशन में ले लेना चाहिए। तो कभी भी सिंगल पर्सन अपने बच्चे को बाइक पे ना लेके बैठे, मेरे को ये मैसेज मिला आज। और ये मेरा बेबी ये खेल रहा है अभी यहाँ पे, तो मेरी नज़र अभी इस साइड भी है, मतलब मैं एक रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, बाकी मेरी मेरे बच्चे पे भी नज़र है। तो मैं मेरी लाइफ के साथ ना मतलब ऐसे ऐसे चेंजेस करते जा रही हूँ, मिट्टी के बर्तन लाना, मेरा पिछला चैनल तो डिलीट कर दिया गया जिसमें 408 वीडियोस थी वो सारी डिलीट हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने ना डॉक्टर विश्वरूप जी की वीडियो डाल दी थी, इस वजह से मेरा चैनल यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। मैंने फिर ज़्यादा कोशिश भी नहीं की उसे पाने की, मैं सोचा हम शुरुआत कहीं और से कर लेंगे, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड मुझे मेरा बच्चा भी संभालना होता है, तो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरा बच्चा और मेरे पति हैं, उसके बाद कोई चीज़ है, इसलिए मैंने रोना, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल चला गया तो चला गया, डजेंट मैटर। सो टेक केयर, बाय बाय, मैं मेरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ, तो बाय बाय।